नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कोरोना पर दुनिया भर को ज्ञान देने वाला, चीन की कठपुतली के नाम से विख्यात होने वाला, कोरोना के दस्तक देने के बाद से ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, उसके प्रमुख ही खुद को कोरोना से नहीं बचा पाए हैं। वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में जरूर आ गए हैं और इसीलिए उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। जी हाँ, WHO के जनरल डायरेक्टर टेड्रस अधनोम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। रविवार को इस बात की जानकारी देते हुए टेड्रस ने कहा, उनकी पहचान कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक शख्स के संपर्क में आने वालों में की गई है। हालांकि टेड्रस ने अभी खुद में कोरोना के किसी भी लक्षण के होने से इनकार किया है। WHO प्रमुख ने ट्वीट किया, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने का पता चला है जो COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। मैं ठीक हूं, किसी तरह के लक्षण नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत कुछ दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन रहूंगा और वर्क फ्रॉम होम करूंगा। महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं टेड्रस। जोर देकर कह रहे हैं कि महामारी के बीच स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि बीमारी के ट्रांसमिशन रेट में कमी आए और हेल्थ केयर सिस्टम पर इसका कम से कम दबाव हो। टेड्रस के मुताबिक ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करें, इस तरह हम COVID-19 ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ देंगे, वायरस को रोकेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम की रक्षा करेंगे। मैं और मेरे सहकर्मी जान बचाने और कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए एकजुटता के साथ भागीदारी करना जारी रखेंगे। आपको बता दें, दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,63,00,000 को पार कर गया है, जिनमें से 3,34,79,314 मरीज रिकवर हो चुके हैं, बाकी 11,99,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये महामारी जानलेवा है, आंकड़ा बता रहा है। साथ ही जो देश इससे उबरते हुए दिखाई दे रहे थे मजबूरी में और बढ़ते कोरोना की वजह से कई देशों को दूसरा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। ब्रिटेन में शनिवार को दूसरा लॉकडाउन लगाया गया जो कि 2 दिसंबर तक लागू रहेगा। वहीं स्पेन में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन किया तो लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का दिन है, ऐसे में शनिवार को ही यहां 1,23,000 नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि WHO प्रमुख का खुद को क्वारंटीन कर लेने का फैसला सही है और जरूरी भी। सिर्फ WHO प्रमुख के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करना, ताकि हम भी कहीं इसकी चपेट में ना आ जाएं। फिलहाल आप WHO प्रमुख टेड्रस के कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।